हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है, बीपी का लो होना उसके लिए अगर समस्या है, तो कौन कौन से फूड आइटम्स या खाद्य पदार्थ उसके लिए अच्छे हैं, उसे डेली बेसिस पे खाना चाहिए जिससे उसको ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद मिलेगी, आज उस चीज़ों पर बात करेंगे। हमने ऑलरेडी लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर पर काफ़ी वीडियोज़ किए, आज डिस्कस करेंगे कुछ यूजफुल फूड आइटम्स लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें पानी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा हैं, फ्लूइड्स है, वो आपके हार्ट पेशेंट्स के लिए या लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। यूजली अगर किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर या लो बीपी का प्रॉब्लम है और अगर उसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पर नहीं बोला गया है, तो उसको हर चीज़ों में एक्स्ट्रा पानी लेना चाहिए। चाहे वो सब्जियां ले रहा है तो उसमें भी ज़्यादा तरी या ग्रेवी यूज़ कर सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम ले रहा है तो उसमें भी ज़्यादा ग्रेवी यूज़ कर सकता है, वो खाद्य पदार्थ भी ऐसे सिलेक्ट कर सकता है जिसमें पानी ज़्यादा हो, वो ड्रिंक्स वगैरह भी ज़्यादा वैसे ले सकता है जिसमें उसको फ्लूइड बॉडी में ज़्यादा मिले, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में शरीर में पानी का कम होना बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। यदि आप पानी की कमी को एड्रेस नहीं करेंगे तो लो ब्लड प्रेशर वाले प्रॉब्लम से मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको पानी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा कोई भी खाद्य पदार्थ में जो भी आप प्रेफर करते हो, यदि आपको हार्ट और किडनी का बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं हो या सीवियर हाइपरटेंशन का भी बीच में प्रॉब्लम नहीं आता हो, तो हर चीज़ों में नमक एक्स्ट्रा डालना चाहिए। नमक जो है बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बॉडी में थोड़ा ऑक्सीडेशन वगैरह डेवलप करती है, पर लो ब्लड प्रेशर से निपटने के लिए पानी और नमक यही दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। आपको हर चीज़ में एक्स्ट्रा नमक डालना है। मान लीजिए आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो भी ज़्यादा नमक डालिए, खाद्य पदार्थ कुछ भी बना रहे हैं, खाने के लिए कोई डिश भी बना रहे, हर चीज़ों में एक्स्ट्रा नमक डालिए। नमक को आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन नमक को एक्स्ट्रा लेना हर आदमी पसंद करता है नहीं करता, उसके टेस्ट पर डिपेंड करता है, पर आप हर चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा नमकीन अगर बनाते हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। नमक और पानी का घोल भी बना के पी सकते हैं, उसमें थोड़ा सा स्वीटनर डाल दें या थोड़ा सा नींबू डाल दें, जैसा भी आपको टेस्ट पसंद हो, नमक और पानी पीजिए यदि आपको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा ज़्यादातर इस तरह के लोगों को फ्रीक्वेंट मील्स लेना चाहिए, बीच बीच में डिवाइड कर करके खाना चाहिए, एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप खाना खाते हैं तो हार्ट को पूरा ब्लड जो है वो पेट की तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है, इसलिए ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शुगर लेवल्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, ये भी एक माना जाता है रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि डिवाइड कर करके खाना खाएं, हर दो दो घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं, तो ये लो बीपी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसके अलावा आपको कैफीन थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, कैफीन बहुत ज़्यादा अगर लेंगे तो नुकसानदायक है, थोड़ी मात्रा में अगर आप चाय कॉफ़ी वगैरह लेते हैं इसमें कैफीन होता है तो ये आपके लिए अच्छा है, लो बीपी वाले पेशेंट्स को फ़ायदा करेगा, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लेंगे तो नुकसानदायक हो सकता है, फ़ायदे के मतलब नुकसान भी कर सकता है। इसके अलावा आपको बीट रूट का जूस लेना चाहिए, बीट रूट का जूस जो है सारे नलियों में नाइट्रेट्स उसमें रहता है तो नलियों को थोड़ा डायलेट करता है जिससे कोशिकाओं में ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होता है, तो ये ज़्यादा मात्रा में लेने से लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में जो पेरिफेरल परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है यानी हाथ पांव में जो ब्लड सप्लाई कम मिलता है उसमें ये आपके लिए फ़ायदेदार हो सकता है, नलियों को थोड़ा सा डायलेट करेगा, हालांकि ब्लड प्रेशर को थोड़ा ड्रॉप भी कर सकता है ये, तो इसलिए ये थोड़ा सा दुधारी तलवार जैसा है, लेकिन इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको फैट फ्री प्रोटीन्स लेना चाहिए, यानी कि स्किन लेस पोल्ट्री, सोयाबीन का प्रोटीन, फिश ले सकते हैं, अंडे का सफ़ेद पोर्शन ले सकते हैं, वेजिटेबल प्रोटीन्स ले सकते हैं, ये सारे फैट फ्री प्रोटीन्स लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर पिकअप होने में मदद मिलती है। काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब आपका एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होता है तो ब्लड प्रेशर लेवल्स भी ड्रॉप हो जाता है, इसलिए आपको एनर्जी लेवल्स को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, फैट फ्री प्रोटीन्स आपको लेना चाहिए। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में आपको आयरन भी ज़्यादा लेना चाहिए, खून की अगर कमी होती है तो भी ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, इसलिए आपको वो खाद्य पदार्थ ज़्यादा लेने चाहिए जिसमें आयरन हो, जैसे कि हरी साग सब्जी, फैट फ्री मीट्स, और कई बार सीरियल्स वगैरह में भी ऊपर से आयरन डाला जाता है, आयरन रिच फूड स्टफ जो है लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। विटामिन B12 भी लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स, लीन मीट, फिश, एग्स, ये सब में B12 होता है, ये भी लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को ज़्यादा देना चाहिए। कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जिनको B12 की कमी होती है उनको भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो आपको B12 लेना चाहिए, आयरन लेना चाहिए, ये खून को भी बढ़ाएगा और ब्लड प्रेशर को भी पिकअप करने में मदद करेगा।
इसके अलावा जो पेय पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे नारियल पानी है या स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कम वाले जो पानी है उनको ज़्यादा लेना चाहिए, ये लो बीपी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। हालांकि ये स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जो रेडबुल बिग बुल टाइप के एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, कैफीन भी होता है तो ये भी बीपी बढ़ाता है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आप इसको ले सकते हैं बीपी बढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से ये फ़ायदा नहीं करेगा, खासकर इसीलिए क्योंकि इनमें शुगर ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर लेना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा फूड जिसमें फोलेट है, फोलेट भी बेसिकली एक बी ग्रुप का विटामिन है जो कि हरी साग सब्जी, सिट्रस फ्रूट्स और कुछ सीरियल्स वगैरह में जिसमें ऊपर से डाल दिया जाता है, इसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, वो सब में मिल सकता है। ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है, यानी मान के चलिए कि जो भी चीज़ों से खून की कमी होती है वो ब्लड प्रेशर को कम करेगा। B12 आयरन और फोलेट जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ाता है, ब्लड सिंथेसिस करवाता है, तो इससे ब्लड प्रेशर में भी बढ़ाने में मदद मिलता है, कोशिकाओं में भी ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है, टिश्यू का परफ्यूजन इंप्रूव होता है, तो सारे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ा बेटर हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर होने के बावजूद भी कोशिकाओं को ठीक मात्रा में ब्लड मिलता है। लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के अगर खून की भी कमी हो तो उनके लिए नुकसानदायक ज़्यादा होता है। इसके अलावा आम और संतरा यानी ऑरेंजेस को भी लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है, इसमें थोड़ी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ रहती है तो पानी भी बढ़ाता है और इसमें शुगर लेवल भी अच्छा रहता है। जैसा कि मैंने बोला, लो शुगर अगर हो जाता है तो उसमें भी लो ब्लड प्रेशर होने का प्रॉब्लम होता है, तो शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जाने नहीं देता है, तो ये भी अच्छे माने जा सकता है लो ब्लड प्रेशर के लिए। पर इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि लंबे समय तक किसी को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो रेगुलर इनको नहीं खा सकता, क्योंकि मीठे फ्रूट्स हैं तो आपका वजन बढ़ाएंगे, कैलोरीज बढ़ाएंगे। इसके अलावा अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उसको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा अल्कोहल अगर वो लेते हैं तो नली को डायलेट करता है, इससे ब्लड प्रेशर लोअर होता है तो उनके लिए नुकसानदायक है। अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है कि पाँव में ब्लड इकट्ठा हो जा रहा है, स्टैग्नेट हो रहा है, जमा हो जा रहा है, तो फिर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने चाहिए, उससे भी ब्लड वॉल्यूम इंप्रूव होता है। और पानी अगर आप पीते जा रहे हो लेकिन फिर भी पाँव में भरते जा रहा है, पाँव सूज गए, तो कंप्रेशन स्टॉकिंग लेने से वो पाँव में दबा हुआ पानी को प्रेशर डाल के उनको आगे की तरफ पुश करता है, वो पानी हार्ट की तरफ जाता है, तो इससे लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को मदद मिलती है। यानी जिनको कंटिन्यूसली लो ब्लड प्रेशर है वो ये भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी सूट नहीं कर रहा है तो ये एक एडिशनल तरीका है जिससे बीपी पिकअप होने में मदद मिलेगी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।